तरीन खबरों के साथ चंदौली में पुलिस ने एक बालू कारोबारी के घर पर छापा मारा, लेकिन घर में कोई नहीं मिला। घर वालों कर पिटाई कर डाली। पुलिस वालों पर एक युवती से रेप और हत्या का आरोप भी लगा है। इस मामले में इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मियों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज। इस समय भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। युवती की वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम कराया गया है। मामले में डिप्टी प्रसाद मौर्य की घटना की निष्पक्ष जांच होगी। जानकारी के मुताबिक कि 19 साल की बेटी के साथ बर्बरता की गई है, मौत हुई है। जून में लड़की की शादी होनी थी। पुलिस की दबिश के बाद गांव के लोगों ने पुलिस को घेर लिया और एक पुलिस वाला घटना में जख्मी हुआ है। पूरी वारदात सैयद राजा थाने के मनराजपुर गांव की है। यहां आरोपी बालू कारोबारी को जिला बदल किया गया था। कहना है कि आरोपी जमानती था, जिसके बाद उस पर दबिश दी गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, सब लागत है। उसके अंदर दो चीज़ें उसमें आई हैं कि एक तो गले पे खरोच आई है, जो छोटी सी खरोच है। उस एक के पास 0.5 सेंटीमीटर की छोटी सी चोट है, मामूली चोट। और जो पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ है वो अननोन रखा गया है। इसके अलावा कोई भी क्या एक्सटर्नल इंजरी नहीं आई है किसी भी बॉडी पार्ट के ऊपर। बिस्रा लिया गया है, बिस्रा की रिपोर्ट के पश्चात ही कॉज ऑफ डेथ जो है वो सर्टन हो पाएगा। अभी मिली कि कन्हैया यादव जो मनराजपुर अंतर्गत थाना सैयद राजा के निवासी हैं, उनकी एक बेटी की जो है घर में और उस पर तत्काल जो है मेरे द्वारा और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा मौके पर पहुंचा गया। परिवार वालों से बातचीत की गई और मौका मुआयना किया गया, जिसमें निशा, जिसकी उम्र लगभग 21-22 साल की है, उसकी डेड बॉडी पाई गई है। परिवारजनों द्वारा तहरीर दी गई है, उस तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। साथ ही जो दबिश के संबंध में आरोप लगाया कि पुलिस ने दबिश दी है, उस पर SHO पर आरोप लगाया गया है। SHO को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है। ऐसे घर में जब ओल्हला है जा तब लड़की के अपन धाई लेना है। अब पता नहीं हम तो वहाँ से नहीं तब यह पता नहीं घर में मार के मुआना है कि फंसाई लगाई की मैंने खाली दुइया थे रही एक लड़की हाँ बताई बस ही वह लड़की बताई आपके रिपोर्ट हाँ ये सुना के मिले तो रहे कि धमकी दे तो रहने की नहीं जैसे वो छत जाके कौन चिल्ला रहा था हमार लड़की मदद मांगा तो ले गांव से गांव वालों भैया हमारे पूल जाने के मारत हूँ हमान कर रक्षा कर छत पे जाके दो लड़की नीचे लेती है के नीचे मारा था ना एक लड़की के ऊपर मारा था ना छोटे ऊपर बड़की लड़की के। चंदौली में पुलिस ने एक बालू कारोबारी के घर पर छापा मारा है, लेकिन घर में उसे जब कोई नहीं मिला तो उसने घर वालों की जमकर पुलिस वालों पर इसी घर की युवती से रेप और हत्या का आरोप भी लगा है। मामले में समेत पुलिसकर्मियों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। रात में ही युवती की वीडियोग्राफी पोस्टमार्टम कराया गया और मामले में डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि घटना की निष्पक्ष जांच होगी।